नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हल षष्ठी का व्रत हमें कब करना है। वर्ष 2020 में षष्ठी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा करने के नियम क्या है और इस व्रत में हमें क्या फलाहार ग्रहण करना चाहिए, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, पूजा करने की विधि और पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी उसकी वीडियो मैंने आपको पहले से दी है, तो आप वो जाके जरूर चेकआउट करें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये जो हलसठ का व्रत होता है वह कब करना चाहिए। इसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे ललई छठ के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसे हर छठ के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं पे इसे हल षष्ठी के नाम से जानते हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ यानी बलराम जयंती भी मनाई जाती है। जैसा कि बलराम का प्रिय और मुख्य शस्त्र था हल, तो इसलिए इस दिन आज किसान भाई हल षष्ठी के दिन अपने मुख्य हल यानी कि जिससे हम जुताई बुआई करते हैं, अनाज पैदा होता है, हमारा भरण पोषण होता है, उसकी पूजा करते हैं और उस दिन उस शस्त्र का मतलब उसका उपयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ उसको पूजा करके उनको प्रणाम करते हैं और वर्ष भर की खुशियों का आशीर्वाद मांगते हैं भगवान श्री कृष्ण से, बलराम से। तो इसलिए आप उस दिन यानी कि जो महिलाएं व्रत रखती हैं उस दिन हल से जुत और बोए का अनाज का त्याग करती हैं और जो फल पानी में होता है या फिर ऐसे अपने आप उग जाता है उसी का सेवन किया जाता है। जैसे कि यदवंशी जितने थे वो गो रक्षा करते थे यानी गऊ सेवा करते थे और गायों की रक्षा करते थे, इसीलिए गोरस का भी त्याग करते हैं। इस दिन इस व्रत में गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है, ना ही पूजन में और ना ही स्वयं ग्रहण करने में। साथ ही गाय से बनी जो गाय के दूध से दही बनाते हैं या फिर घी बनाते हैं इसका भी त्याग करना चाहिए। इसके स्थान पर जो भैंस का दूध होता है उसका सेवन किया जाता है और भैंस के दूध से बनाया हुआ घी और दही पूजा में भी हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये तो था कि नियम में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और इस व्रत को दोस्तों पुत्रवती स्त्रियां रखती हैं और वह स्त्रियां भी रख सकती हैं जो संतान की कामना रखती हैं या अपने संतान की उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को भी रखा जाता है। और जिन स्त्रियों को संतान अभी तक नहीं हुई है वह भी इस व्रत को करने का संकल्प लेकर व्रत रख सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, तो जैसे हमारे यूपी में मनाते हैं हम वो आपको सामग्री भी बताएंगे और उस तरीके से पूजा विधि भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस दिन आपको कुश घास की पूजा की जाती है। जैसे कि कुश घास पहले आज से बहुत वर्षों पहले किसी सरोवर के किनारे उग जाता था और वहीं पर सारी महिलाएं जाकर पूजा करती थी, लेकिन समय के साथ बदलाव आने के साथ साथ में ये चेंज हो गया है। तो हम लोग अपने घर पे ही कुश घास लाके और एक सरोवर का लोकेशन देकर यानी पानी में सरोवर बनाते हैं बड़ी परात में और उसी में कुश घास को लगा के और वहीं पे अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में पूजा करते हैं। तो कुश घास की कितनी मान्यता है ये आप सभी को पता है। कुश घास में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। सभी पूजा में कुश घास से ही हम भगवान यानी देवी देवताओं को जल अर्पित करते हैं, उनको स्नान कराते हैं और बिना कुश घास यानी कि उसका एक अंगूठी बनता है जिसे पैती कहा जाता है, बिना उसे पहने हमारी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो इसलिए कुश घास की इतनी महत्वता है। इस दिन हम कुश घास की पूजा के साथ में छठी माता का भी पूजन करते हैं। छठी माता हमारे बच्चों की रक्षा करती हैं, जैसे कि बच्चों के जन्म के छठवें दिन हम छठी मनाते हैं अपने बच्चे की, तो वो 6 महीने तक हमारे बच्चों का देखभाल करती हैं और सपने में आती हैं, उन्हें हंसाती हैं, रुलाती हैं, इस तरह से ऐसी मान्यता है। तो उन्हीं छठी माता का हम धन्यवाद अदा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं।
तो दोस्तों ये तो महत्वता थी कि हम छठी का व्रत क्यों करते हैं और उनका त्योहार क्यों मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि हमें पूजा में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और हमें कैसे पूजा करना चाहिए। सूक्ष्म विधि से हम आपको बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने विधिवत तरीके से आपको बताई है, आप वहां जाके जरूर चेकआउट करें। इस दिन आपको सुबह सवेरे अपना नित्य कार्य से निवृत्त होकर आपको स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और कुश घास की व्यवस्था करनी चाहिए एक बड़े परात में, उसमें जल भरना चाहिए और थोड़ा सा उसमें दूध डाल देना चाहिए, गंगा जल से उस जल को शुद्ध कर लेना चाहिए। और एक थाल में आपको हल्दी, रोली, चंदन और अक्षत के रूप में जो फसई का चावल होता है उसे रखा जाता है। जैसे कि अनाज में हम जो बोया जोता रहता है उसका त्याग करते हैं, इसी वजह से चावल को हम अक्षत के रूप में नहीं लेते हैं और ना ही हमें चावल का अक्षत बनाना होता है। हम उसी फसई के चावल को भिगोकर उसका ऐपन तैयार करते हैं, जिसे छठी माता की आकृति भी कोई कोई लोग दीवार पर बनाते हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और पुष्प चढ़ाते हैं तो कोई भी कलर का आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। भोग में हम दही, जैसे कि भैंस के दूध का दही रखते हैं, और जो मौसमी फल होता है उसे आप रख सकते हैं, या फिर भैंस के दूध से बनी मिठाइयां भी आप रख सकते हैं उसमें। इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप भोग वहां पे अर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल में केला है, संतरा, मतलब जो इस मौसम में मिलता है वह फल आप अर्पित कर सकते हैं। और जैसे हमारे यूपी में प्रथा है कि 6 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं, तो इसमें जो खड़े अनाज होते हैं उन्हें सूखा रोस्ट करके और एक कुल्हड़ में भर के वहां पे भगवान को सामने अर्पित किया जाता है और उससे पूजन किया जाता है, लेकिन स्वयं ग्रहण नहीं किया जाता है। कैसे सभी पूजा की सामग्री आप एकत्र करके एक स्थान पर कलश लगा के आप बैठे, और जैसे ये संतान के लिए व्रत रखा जाता है तो इसमें संतान संबंधी कोई भी एक वस्तु आपको जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि छोटा सा खिलौना आप रख सकती हैं, राखी रख सकती हैं, पेन वगैरह रख सकती हैं, इसलिए वह जरूर चढ़ाया जाता है। और दोस्तों इसमें आप अपने बच्चों को भी शामिल कर सकती हैं। इस तरीके से आप सभी परिवार के साथ में उस सरोवर के पास आप बैठें और वहां पर विधिवत पूजा करें और कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा से हमें उसकी महिमा ज्ञात होती है, उनके बारे में हमें पता चलता है। तो हम आपको सूक्ष्म विधि से कथा सुनाना चाहेंगे। एक गांव की ग्वालन थी जो कि दूध दही बेचने का कार्य करती थी। वह गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय नजदीक आ गया था, और उस दिन ये हरछठ की पूजा थी, और उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि यदि आज हम अपना दूध नहीं बेचते हैं तो हमारे घर के बच्चों का पालन पोषण यानी कि अन्न हम कैसे लाएंगे और उनका भोजन वगैरह की व्यवस्था कैसी होगी। तो इसी लालच बस वह अपने घर से दूध दही का मटका लेकर निकल पड़ी बेचने के लिए अन्य गांव में जाने के लिए। लेकिन वह जैसे ही अपने घर से कुछ दूर जंगल तक पहुंची ही थी, उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तो एक पेड़ के नीचे उसने विश्राम किया और वहीं पे उसका प्रसव हुआ। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसने क्या किया कि उस अपने जो दूध और दही को अपने पास लेके वो बेचने के लिए निकली थी, उसने सोचा यदि हम इसे नहीं ले जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा और इसे फिर कौन लेगा। तो अपने जन्मे हुए संतान को वह उस कुश घास के पौधे के पास में छोड़कर, यानी कि छठी माता का स्मरण करते हुए, वह उनकी गोद में डाल के गांव में निकल पड़ी दूध और दही बेचने के लिए। जब उसने देखा कि सारी महिलाएं छठी माता का पूजन कर रही हैं और सभी ने मना कर दिया कि आज हम तुम्हारा ये दूध और दही नहीं लेंगे, तब उसे बड़ा आघात पहुंचा और उसने झूठ बोला कि ये दूध दही हम भैंस का लेकर आए हैं, गाय का नहीं है, और इसे आप ले लो और पूजा में शामिल कर लो। तो सभी महिलाओं ने ले लिया और उससे पूजन किया, और जिसकी वजह से छठी माता रुष्ट हो गई और जिसके कारण उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। जब वह लौटकर उस पेड़ के पास आती है और देखती है कि हमारा बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वो काफी रुदन करने लगती है और रोते रोते
बिलाप करती है और कुछ समझ नहीं पाती, तो उसे एहसास होता है कि हमने झूठ बोला है। आज छठी माता का पूजन सभी महिलाओं ने किया पूरे श्रद्धा भाव से, और हम इसी संतान के भरण पोषण के लालच में आके हमने झूठ बोलकर उनका व्रत खंडित किया है, तो इसी पाप की वजह से छठी माता का यह प्रकोप हमें भोगना पड़ रहा और हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई। तो वो एक हाथ में अपने मरे हुए बच्चे का शव लेकर गांव में फिर प्रवेश करती है और उन महिलाओं से रोती बिलखती है जो महिलाएं पूजा कर रही हैं, और अपनी माफी मांगती यानी गलती मानती है, प्रायश्चित करती है कि आप सभी उस दूध दही का सेवन ना करें और हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए छठी माता से आप प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे को जीवन दान मिले और आज के दिन हम भी अपने घर में सहर्ष छठी माता का पूजन कर सकें। तो उसके प्रायश्चित को देखते हुए सभी महिलाओं ने एक साथ छठी माता से प्रार्थना करी और माता प्रसन्न हुई और उसके बच्चे को जीवन दान मिला था। तो इस कथा से यही हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थ बस कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कभी किसी के पूजा में विघ्न डालना चाहिए जिसका परिणाम हमें स्वयं को भोगना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो थी छठी माता की कथा। अब हम जानते हैं कि षष्ठी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। 9 अगस्त वर्ष 2020 को हलषष्ठ का व्रत किया जाएगा और षष्ठी तिथि की शुरुआत हो रही है 9 अगस्त 2020 को सुबह यानी भोर में 4:18 से 10 अगस्त 2020 को सुबह 6:42 तक षष्ठी तिथि रहेगी। तो आपको दिन भर का समय मिल रहा है और सूर्योदय के साथ में आपको षष्ठी तिथि प्राप्त हो रही है, तो इस दिन आप व्रत करें, पूजा करें विधिवत तरीके से और अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए छठी माता से प्रार्थना करें। तो आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं छठी माता से कि उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदियों रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। और दोस्तों पूजा की विधि और सामग्री मैंने आपको पहले से ही दी है, आप जरूर चेकआउट करें। थैंक यू।